बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू होम कुकिंग चैनल। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं साबुदाने वाला शरबत गुलाब। साबुदाने वाला शरबत गुलाब गर्मियों के लिए बहुत ही बेहतरीन तोहफा है। एक तो साबुदाने की तासीर ठंडी होती है, ये मैदे को भी ठंडा रखता है, तो गर्मियों के हिसाब से इस शरबत की बहुत ठंडी तासीर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम साबुदाना अलग से पकाएंगे। इनको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है और तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर देना है। अभी तकरीबन 15 मिनट हो गए इनको पकाते हुए। ये देखें, अभी दाने हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो इतने काफी। अभी ज्यादा हमने इनको नहीं पकाना, ये गल ना जाएं। अगर हम इनको ज्यादा पकाएंगे तो ये गल जाएंगे। अब हम इनको छान लेंगे इस तरह छान के, और इसके ऊपर हमने ठंडा पानी डालना है, नॉर्मल पानी, ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। सबसे पहले हम बाउल में दूध ऐड करेंगे। अब इसमें हम शुगर सिरप ऐड करेंगे। शुगर सिरप हमने बनाया हुआ है, आप इसकी जगह चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम शरबत ऐड कर रहे हैं, जामेश्वरी, रूह अफ़ज़ा, कोई भी शरबत आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम साबुदाना ऐड करेंगे जो हमने बॉयल करके रखे हैं। अब इसको मिक्स करके हम फ्रिज में रखेंगे, ये ठंडा भी हो जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। ये आधे घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखा था, अभी ये गाढ़ा भी हो गया है और ठंडा भी हो गया है। अब इसके अंदर हम जेली ऐड करते हैं और ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारा साबुदाने का शरबत तैयार हो गया है। गर्मी में इसकी बहुत ठंडी तासीर है। एक तो साबुदाना भी ठंडे होते हैं, मैदे के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और साथ ही हमने इसमें जो तुखमलंगा ऐड किया है, तुखमलंगे की तासीर भी बहुत बेहतरीन होती है, ठंडी होती है, और मैदे के लिए स्पेशली बहुत ही जबरदस्त है। तो गर्मियों के लिए मशरूब बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त। तो उम्मीद है व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।